नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द ऑटरिंग पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जम्मू और कश्मीर में हुए टारगेट अटैक के बारे में बताऊंगी, जिसको सिविलियन अटैक भी बोला जा रहा है। तो मीडिया के थ्रू हमें ये पता चला है कि जम्मू और कश्मीर का इतिहास वापस दोहराता हुआ हमें दिख रहा है। आज से 20 साल पहले जम्मू और कश्मीर की सेम हालत थी, वो भी दीपावली के समय। अभी हाल ही में ही एक हफ्ता पहले जम्मू और कश्मीर में 11 लोगों को मारा गया है, और ये भी बोला जा रहा है कि 5 अक्टूबर को पानीपुरी सेलर को मारा गया था, फिर एक सब्जी वेंडर को मारा गया था, उसके बाद एक कारपेंटर वाले को भी मारा गया था, और काफ़ी और लोग हैं, गरीब लोगों को मारा जा रहा है। वही लोग जो जम्मू और कश्मीर में अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के पैसे कमाने जा रहे हैं ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो सके, उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने बात भी की थी मजदूरों से जो कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ रहने से अब डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर रहना उनके लिए एक एक दिन उनके लिए भारी है। और इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन सरकार के द्वारा भी काफ़ी सर्च ऑपरेशन चालू करे गए हैं, जम्मू और कश्मीर की सेना के द्वारा भी सर्च ऑपरेशन चालू करे गए हैं, और ये बोला जा रहा है कि इनकाउंटर का 8th डे शुरू हो चुका है। आप कहाँ से हैं और आप अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे? हम भागलपुर से, बिहार से। अच्छा, क्या काम करते थे आप यहाँ पे? ट्रेन का काम करते थे। तो आप क्यों जा रहे हो, ये जो हालात यहाँ खराब हो गए? हालात खराब हो गया, रेड़ी वाले को मार दिया, मजदूर को रूम घुस के मार दिया, तो यहाँ क्या करें, इसलिए डर से जा रहे हैं घर। ऐसे हालात में हम लोग, आप पहली बार कश्मीर आए या इससे पहले भी आते हैं? हमको 40 साल हो गया कश्मीर में, कभी ऐसे हालात देखे? हालात तो इससे ज़्यादा ख़राब होता था, लेकिन मजदूर को और रेड़ी वाले को किसी को कुछ नहीं कहता था, कमाने वाले को कुछ नहीं कहता था। तो पहली बार इस तरह के हालात? हाँ, पहले बार ऐसा किया। आप बताइए, आपका नाम क्या है? छत्तीस कुमार। आप कहाँ से है? भागलपुर। तो ये बताइए कि आप भी जा रहे हैं वापस? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ वापस। आप क्या काम करते थे? आइसक्रीम का। तो क्या डर बहुत ज़्यादा है? अरे डर तो जान का सभी को लगेगा, क्योंकि रूम में ढुक के मार रहा है। पहले तो मारता था रेडी उड़ी पे बाहर में मारता था, लेकिन अभी तो रूम में जाके मार रहा है, तो अब तो पूरा डर हो गया है आदमी को। तो आप कहाँ पे रहते थे यहाँ कश्मीर? हवा कदल गणपतिया के मंदिर के पास। तो कब फैसला किया आपने जाने का? कल से ही फैसला कर लिया, जब मार दिया ना शाम, तभी फैसला हो गया कि अब घर जाना है। अच्छा, यहाँ के लोगों का सहयोग रहा? यहाँ का लोग कुछ नहीं बोलता है। आप बताइए, आप कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ सर। तो क्या आप भी जा रहे हैं वापस? हाँ, वापस जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में काफ़ी सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जा रहा है, काफ़ी बैरिकेड चेक पोस्ट भी लगाए जा रहे हैं, एक एक बंदे को वहाँ पे चेक कर रहे हैं रोक रोक के, उनके बैग्स चेक हो रहे हैं, उनके कपड़े चेक हो रहे हैं, सब कुछ चेक हो रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट यानी आतंकवादी हमला पिछले 2 सालों से इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडियन आर्मी के 7 सोल्जर्स को भी मारा गया है जम्मू और कश्मीर में, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि जम्मू और कश्मीर में वेल ऑफ फैमिली से हैं, यानी अच्छी फैमिली से हैं, उनको भी मारा गया है। जम्मू और कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा ही डर से बैठ चुका है, वहाँ पे लोगों को रहने में इतना डर लग रहा है, और हमारी जो सेना है वो पूरी कोशिश में है कि आतंकवादियों को अरेस्ट करे। अभी तक कुछ 13 आतंकवादी इनकाउंटर हो चुके हैं, और पूरी कोशिश यही जा रही है कि और से और आतंकवादी उन्हें मिलें और वो उनको इनकाउंटर में लेना शुरू कर दें। बट अभी फिलहाल के लिए जम्मू और कश्मीर में पूरा रेड अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको भी सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। गरीब लोगों को तो वो वैसे ही नहीं छोड़ रहे हैं, बट वो अमीर लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जम्मू और कश्मीर में नेटवर्क की सुविधाएँ, इंटरनेट की सुविधाएँ भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं आतंकवादी हमले के वजह से। और जम्मू कश्मीर में ईदगाह के इलाके में सबसे ज़्यादा हमले होते हैं ये बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक खेल का मैदान है। तो अब गवर्नमेंट यानी सरकार अपनी पूरी कोशिश में है कि वो इस आतंकवादी हमले को रोके। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के दौरान आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।